हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द 1 मिनट कंपोजर, जहाँ पे ये मुझे देंगी 3 रैंडम वर्ड्स जिससे मुझे बनाना होगा एक गाना इनकी दी हुई सिचुएशन पे बहुत जल्द। शुरू करते हैं आज का एपिसोड, फटाफट से 3 वर्ड दे दो। नैना, नैना। नींद। इस बार मैंने अपना प्रिपरेशन करके रखा था। नर्वस ही तो होगे सारे वर्ड। नहीं, तीसरा फिकर। फिकर। फिकर अच्छा, एक्चुअली सिचुएशन मुझे पता है, तो उस हिसाब से मैंने वर्ड सोचे। क्या सिचुएशन लॉन्ग है? डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के ऊपर, यू आर विद अ पर्सन, यू लव देम अ लॉट बट यू मिस देम। मतलब वो लॉन्गिंगनेस है एक दूसरे के साथ होने की, एंड यू जस्ट लुक फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन यू विल बी टुगेदर। मतलब तो बट लव सॉन्ग है हाँ, बट लेकिन एक सैड थोड़ा नहीं सा, है। हाँ सैड नहीं है, मुझे थोड़ा सा वाइब वो ओ सोनिए वाला चाहिए, जो तुम्हारा सुपर हिट सॉन्ग ओ सोनिए, उसका वाइब चाहिए। वो कैसे बनेगा? अरे बन जाएगा। पहला गाना हमेशा पहला गाना ही होता है, उसकी जैसी कोई चीज नहीं बन सकती, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बट आई वो ट्राई भी टू आज बनाओगे तुम। रिटेन सब एलिमेंट्स लाइक ओ हाँ सोनिए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए, ओ सोनिए वाला वाइब चाहिए, मतलब न्यू लव टाइप वाइब है। और मैंने वर्ड ऐसे दिए, नैना, नींद, फिकर, कि मतलब यू नो आप सोच रहे हो, तो आपको दिख रहे हाँ, हैं वो बार बार, फिकर हो रही है। तो नैना भी हो सकता है इसमें हुक लाइन। आई थिंक मैंने आपका काम इजी कर दिया इस बार। इजी तो सॉरी ओ सोनी का रेफरेंस, मजाक कर रही हूँ। मैं ओ सोनी, मुझे लगता है मेरा सबसे अच्छा गाना है और सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि वो जो फ्लो में बना था ना, वो फ्लो हर बार नहीं आ पाता है। और उस गाने की खासियत क्या है कि वो है तो सैड सॉन्ग, मतलब उसके लिरिक्स में बीच में सैड भी आता है, और एक वो जो सेपरेशन का गाना है टेक्निकली, बट उसको लोग एज अ लव सॉन्ग परसीव करते हैं, वो क्रिएट करना हर सॉन्ग में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बट वो रेफरेंस है अगर, तो लेट्स सी। और म्यूजिक वाइज एनी कोई रेफरेंस दिमाग में? ताबड़तोड़। ताबड़तोड़ सा कोई प्यारा सा, बहुत ही कैफ्री, बहुत ही ताबड़तोड़, एकदम प्यारा सा सॉन्ग। मैं इसको आई कैन फील इट हियर, अच्छा, बस तुम बना दो। नैना कैन बी अ हुक लाइन। नैना, गिटार लूप लेते हैं एक। थिंक कैफ्री वाले वाइब गिटार से शुरू होता हाँ, है गिटार से ना, ही शुरू होता गिटार है। से ही आता हाँ, है। अभी आपको अपनी क्रिएटिव फ्रीडम के लिए स्पेस चाहिए। एक्चुअली फिकर से भी हो सकता है वो क्लाइंट। रिकॉर्ड करके उसको भेजता हूँ मैं अपने फ्रेंड गीत सागर को, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत जबरदस्त लिरिक्स लिखेगा। ऐसा हो सकता है, मतलब हुक लाइन एक बार हुक क्रैक हो गया तो बाकी सब हो जाएगा क्रैक। हुक सबसे मुश्किल होता है। आई मीन जस्ट कॉल गीत एंड लेट्स सी इफ ही कैन राइट ऐसी चीज होती है इसको। लाइफ जब ऐसा तेरे को तो समझ ही होगा अभी, तीन तीन वर्ड देगा समझ ये। गया। भाई, आज के 3 वर्ड जो मोहतरमा ने दिए हैं हमें, वो है नैना, नींद और फिकर। तो को ट्यून भेज रहा हूँ अभी, रफली ऐसा है ना 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 ना। वो जो हरकत है वो हटा भी सकते हैं तेरे को अगर लगता है कि वो उसके बिना अच्छा लगेगा। आई एम क्यूरियस टू नो कि इसमें आवाज कौन सी यूज करना चाहते हो तुम। मेरी ऑब्वियसली, बट सिंस अच्छा, इट्स यू वॉन्ट मी टू अ, डू इट? हाउ ओ ले लॉन्ग डिस्टेंस में तो दो लोग ही होंगे ना। अच्छा, ठीक है। भी आपकी क्रिएटिव फ्रीडम के लिए मैं आपको स्पेस दे रही हूँ, बट आई विल बी बैक। ओके, ना 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 ना
जैसे तो नहीं, बट अ मॉडर्न टेक ऑन माय ओन साउंड इज व्हाट आई एम गोइंग फॉर. दियो पानी. आवाज का हो गया क्या? नहीं भी करना. सो फीमेल वॉइस के लिए ना सृष्टि है मेरी एक फ्रेंड. शी हैड इंट्रोड्यूस्ड मी टू एन अमेजिंग आर्टिस्ट जिनका नाम है नताशा नूरानी एंड आई थिंक शी विल बी द परफेक्ट फिट फॉर दिस सॉन्ग. सो आई एम जस्ट गोना टेक्स्ट हर एंड सी इफ शी कैन जस्ट डब इट एंड सेंड इट टू अस. तो गीत सागर ने मुझे लिरिक्स भेज दिए एंड आई थिंक दे फिट परफेक्टली इनटू द सॉन्ग. तो नताशा ने भी रिकॉर्डिंग करके भेज दिए. आर यू रेडी फॉर इट? एब्सोल्युटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बुए अखियां दे मेरे लब दे नैना तेरे सारी सारी रात आवे नींद ना मनु बारी मेरी तक तक रावा तेरी पुछ दी है बैरी आवे क्यों ना आया तू. शब सुबह तेरी फिकर है शाम सहर तेरा जिक्र है रहते हैं हम बिखर है धड़कनों से ना तेरा लिख रे. शब सुबह तेरी फिकर है शाम सहर तेरा जिक्र है रहते हैं हम बिखरे बिखरे धड़कनों से ना तेरा लिख रे. Can you please play it again? Again? Yes. Spotify पे जाके सुन लेना गाना. Baby, अभी. मैं भी Spotify पे सुनूंगी. इतना प्यार क्या फिर भी? तीन पैसा मिलता है उनको. एक स्ट्रीम का. याद रखना. नहीं तीन से ज्यादा मिलता है. क्या आवाज है ना. क्या आवाज है. तो भाई आवाज जो जेल हो रही है वो इतना सुंदर लग रहा है भाई. आई थिंक इट्स अ ग्रेट सजेशन बाय सृष्टि. और ये गाना बाहर आ चुका है. आ चुका है और Spotify पे और सारे दुनिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे आप सुन सकते हैं इस गाने को. और you have to search for जिकर है और जरूर शेयर कीजिएगा ये सॉन्ग अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनकी आपको फिक्र है और जिनकी बातों का आपके जहन में जिक्र है. वाह 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 क्या बात है. ₹50 काटो मेरे. ओवर एक्टिंग की 50 भाई. एक बार और सुने. वेल डन. शब सुबह तेरी फिकर है शाम सहर तेरा जिक्र है रहते हैं हम बिखर है धड़कनों से ना तेरा लिख रे. शब सुबह तेरी फिकर है शाम सहर तेरा जिक्र है रहते हैं हम बिखरे धड़कनों से ना तेरा लिख रे. शब सुबह तेरी फिकर है शाम सहर तेरा जिक्र है रहते हैं हम बिखर है धड़कनों से ना तेरा लिख रे. द बॉस आया ओसोनी वाला फील बहुत ज्यादा. तो म्यूजिक प्रोडक्शन वाइज अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं कि क्या किया है इसमें मैंने, तो जस्ट एक आपको रफ आइडिया देने के लिए इसका मैं एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगा इफ़ आई गेट इनफ रिक्वेस्ट्स. बट किया क्या है कि सिंथ वेव मेरा बहुत ही फेवरेट जॉनर है म्यूजिक का और साथ साथ आई वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस टू अमा पियानो बाय माई फ्रेंड सृष्टि. तो उसका जो बेस का साउंड है और सिंथ वेव का बेस का साउंड मिक्स करके कम्बाइंड विद द पंजाबी लिरिक्स गिटार अकूस्टिक एलिमेंट्स, तो ये कुछ मतलब रिदमिकली और बेस प्रोग्रामिंग वाइज कुछ एक अलग सी चीज प्रेजेंट हुई है मुझे ऐसा लगता है. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने और सोनी इस तरह से प्रोग्राम क्यों नहीं किया. बट एनीवे वो 10 साल पहले था और ये अभी है. आई होप यू गाइस एंजॉय इट. इट्स रियली रियली फ्रेश सुन के मतलब ऐसे अंदर से मन करता है कि यू जस्ट वांट टू ग्रूव ऑन इट. और प्लस आई विल सेंड इट टू माय लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ट फ्रेंड मेबी.
बेस्ट फ्रेंड लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बेस्ट बेस्ट फ्रेंड लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ट फ्रेंड ओके चलो ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब सी यू इन अनदर एपिसोड